हमारा स्कूल जो था प्राइमरी तक था, जूनियर की व्यवस्था नहीं थी। हम सर के पास लेके आए कि सर आप हमारे यहाँ, दो बच्चे थे हमारे पास में गांव पड़ता कनकपुर, और आने जाने की सुविधा नहीं थी। सर ने कहते सर मेरी तो व्यवस्था आने जाने की नहीं है, फिर बराबर में सेंट मैरी पब्लिक स्कूल है वहाँ हमने एडमिशन कराया। उस 15 साल के बाद आज हमारा आना हो रहा है यहाँ पर, और उसमें और अब में बहुत अंतर है। और सर से तो बीच बीच में हम मिलते रहते हैं, और सर के हम बहुत आभारी भी हैं। सर ने हमारे यहाँ स्टाफ की व्यवस्था थोड़ी से कराई, हमारे यहाँ उर्दू पढ़ाई गई सर के सारथ्य से। सर ने यहाँ से उर्दू की मैडम भेजी है, और इत्तफाक से आज वो इस दुनिया में नहीं। और हम बस आपसे ये कहना चाहेंगे, पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताएं इसमें पेरेंट्स कितने बैठे हैं, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनके साथ। केवल सोते हैं उतनी देर हमारा दिमाग रहता है अलग, बाकी 20 घंटे काम भी करते हैं। और लगभग 24 साल हमें इस क्षेत्र में हो गई, और 24 साल से लगातार इसका काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा हमें दिखता है कि हाँ हम काम करना, हमारा ये नतीजा सफल है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मेन तो पेरेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम पेरेंट्स आएंगे। देखिए बच्चा कोई भी हो कैसा भी हो, पेरेंट्स के हाथ में होता है, दूसरे नंबर पर टीचर के हाथ में होता है। पेरेंट्स जैसा चाहेंगे बच्चा वैसा बनेगा, लेकिन उसमें पेरेंट्स का साथ बहुत जरूरी है। कह दें कि सर आप धक्का लगाओ, आप प्रतियोगिता कराओ, ये कराओ, वो कराओ, अकेले करते रहे, कब तक करेंगे? नहीं करेंगे। मेन काम होता है कि दोनों लोग हम जब मिलकर साथ करेंगे, यानी कि इनकी एक गाड़ी नुमा, मान लीजिए गाड़ी रुकी पड़ी है, धक्का लगाएंगे तो गाड़ी चली जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी और भाग जाएगी, और हम जैसे हैं यहीं खड़े रह जाएंगे। आज भी इसी जगह पर खड़े हैं, आज के 10 साल बाद देखेंगे तब भी इसी जगह पर रहेंगे। एक सर को 15 साल से मैं जानता हूं, इसी जगह पर कहीं गए क्या? और इनके बढ़ाए हुए बच्चे कहां कहां पहुंच गए, कौन नीली बत्ती की गाड़ी में घूम रहा है, कौन लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा है, कौन कहां घूम रहा है, कोई पता नहीं। ठीक है सर, अभिभावक हैं उनसे अनुरोध यही है कि हमारा ज्यादा पुराना अनुभव नहीं है, गुरुजी से ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी अनुभव है अपने अनुभव की हम बात आपको बताते हैं। हमारे यहाँ 2002 में हमने अपने विद्यालय की स्थापना की, और किसी मेमोरी में भी हमारे भाई थे, इंजीनियर थे, हम दोनों भाई कुछ करना चाह रहे थे क्षेत्र के लिए, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहे, रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया उनका। तो हमने उसका रूप बदल दिया उसको, फिर हमने उन्हीं की मेमोरी से समाज सेवा करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, और तब से स्थापना की तब से लगे हुए हैं इसी काम। और हमारे यहां पर हमें सपोर्ट इतना नहीं मिलता पेरेंट्स का जितना हम सोचते हैं, और मुझे लगता है कि सपोर्ट इतना यहां पर भी नहीं है, हमारे सर के लिए भी सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स का के जितना होना चाहिए। देखिए ये मेरा अनुभव है, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कदम से कदम लगाकर खड़े हुए हैं, उनका बच्चा किसी भी कीमत पर कहीं रुक ही नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है, चाहे मेरे स्कूल के स्वयं के बच्चे हों, चाहे मेरे खुद के बच्चे हों, या कोई भी बच्चे हो। स्कूल से लगभग एएमयू में मेरे यहाँ से कम 2-3 बच्चे, 4-6 बच्चे हर साल जाते हैं, लेकिन उनमें जाते उन्हीं के हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ और हमारे से पूछ पूछ कर अपने बच्चे के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे, बच्चे उन्हीं के जाते हैं। ऐसा नहीं कि मान के चलिए डीएम बनेगा, डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम बनता है, सभी के डीएम नहीं बनेंगे, बनेंगे उनके जिनके फादर चाहते हैं, जिनकी मदर चाहती है, जिनके कदम से कदम मिला के चाहते हैं। और टीचर जो गाइडेंस देने वाले हैं, टीचर की एक एक बात को बहुत ही अच्छी तरह सुनते हैं, और ऐसा नहीं कि वो बच्चे न बने, ये मेरा दावा है। कोई भी पेरेंट्स ऐसे हो, उनका बच्चा ऐसे इस लायक है कि जो कुछ कर सकता है तो वो जरूर बनेंगे, जो आप चाहेंगे वह बनेंगे। बच्चे की नेगेटिविटी छोड़िए, बच्चे को पॉजिटिव लाइन में लाइए, पॉजिटिव बातों में रखिए, पॉजिटिव चीजों में रखिए, मोबाइल पे देख रहा है कुछ भी, क्या देख रहा है तो उस पर ध्यान रखिए। ये मेरी थोड़ी सी आपके लिए कहना है, और मैं अपने जितने भी हमारे ज्यादातर मुझे लगता है अपने स्कूल वाले बंधु बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी ये कहूंगा, देखिए जिस क्षेत्र में आप घुसे हैं, जिस कर्तव्य को आप कर रहे हैं, उसको अपने 100% दीजिए,
क्योंकि ये क्या है, ये किसी के जीवन का काम है, ये आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो है, रोजी रोटी इससे चलती है, बच्चे इसी से पलते हैं आपके, लेकिन उसको अपना कर्तव्य मानकर करिए। और ये मान के करिए कि मेरे हाथ में इन बच्चों का भविष्य गार्जियंस दे रहा है। 10 रुपए भी कोई जेब से देगा ना, तो उसको भी ये सोचेगा कि 10 कब मिलेंगे, गरीब साहब को मैं 10 रुपए दे रहा हूं तो ये पहले सोचूंगा 10 कब लौटाएंगे। तो आपके लिए तो अपनी जीवन की पूरी पूंजी आपके हाथ में देके जाता है। और हमसे लोग कहते हैं, हम अपने ऊपर कह रहे हैं, हमसे लोग कहते हैं, लो सर ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में, यानी कि बच्चा हमारे हाथ में। तो हम अपने साथियों से जो स्कूल चला रहे हैं या प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही सोच समझ कर पेरेंट्स आपके हाथ में देते हैं, उनका विश्वास न तोड़े। अगर आपको मान के चलिए इतनी एबिलिटी नहीं है, इतना मान के काम नहीं कर सकते, तो उस काम को मत करिए, दूसरा काम कर लीजिए। बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन स्कूल को बिजनेस बनाकर मत छोड़िए। कोई छोटा और कोई बड़ा स्कूल नहीं होता। मेरा भी स्कूल 12x12 के कमरे से चला है। ऐसा नहीं कि सभी स्कूल मैनेजर बड़े बड़े होते हैं तो वहीं से बच्चे बड़े बड़े डीएम कलेक्टर बनते हैं। प्राइमरी स्कूल के भी बच्चे डीएम बनते हैं, प्राइमरी स्कूल के भी बनते हैं। बस अंतर क्या है, जो मैंने पहले बात कही, उनके पेरेंट्स उनके साथ, पेरेंट्स का साथ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पेरेंट्स ध्यान दें, प्लस अध्यापक भी अपनी अपना कर्तव्य समझें, अपना कर्तव्य ये समझें कि या स्कूल वाले जो स्कूल प्रबंधक है वो भी ये समझें, मैंने स्कूल खोल दिया, ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए स्कूल खोल दिया। बिजनेस है वो बाद में, क्योंकि रोजी रोटी भी जब आप 20 घंटे अपने स्कूल को देंगे, अपने बच्चों को देंगे, तो आपके बच्चों के लिए खाने के लिए कहां से आएगा, वो भी यही पेरेंट्स देंगे। तो बिजनेस तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को 100% दीजिए, तो देखिए ये भी खुश रहेंगे, बच्चों का भी भविष्य बनेगा। बहुत सारे हमने देखे हैं, हमारी साथी क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, अरे हमने तो चला दिया, हमने कहा कोई ठेका ले लिया किसी का, ये कर दिया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें करने की नहीं होती। बहुत ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि भविष्य का निर्माण, भविष्य के निर्माता हम लोग हैं। भविष्य निर्माण के लिए पेरेंट्स अपने बच्चे को देते हैं। अब मैं एक छोटे सी एक मिसाल लेता हूं, किसी ठेकेदार को अपने मकान को बनवाने के लिए देंगे तो 10 लोगों से पूछेंगे कि भाई कौन सा मिस्त्री ठीक है। छोटी सी मान के चलिए कपबोर्ड भी बनवाएंगे ना, कारपेंटर को पूछेंगे 10 लोगों से, भैया कौन सा मिस्त्री सही है। लेकिन बच्चों के शिक्षक का चुनाव आप दिखावे पर कर देते हैं, दिखावा कर देते हैं, अरे वहां इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा ये इतना वो, ऐसा नहीं। देखिए बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं होती इसमें, ये तो एक दिखावा है। और आजकल हम या पेरेंट्स सब किस पर जा रहे हैं, दिखावे पर। सब चीज जो हमारी जा रही है वो सब दिखावे पर जा रही है। दिखावा को छोड़िए, छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, बस ये पहचानिए कि मेरे बच्चे को आगे बढ़ाने का तरीका कहां से मिलेगा, गाइडेंस अच्छी कहां से मिलेगी, और कौन हमारे बच्चे पर पूर्णतः मेहनत से विश्वास करेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए, कहीं कहीं बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, मेरे बच्चे भी अलीगढ़ पढ़ते हैं, 4-4 स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे 4 बच्चे 4 स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अवर लेडी फातिमा में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। छोटे से स्कूल में जो हम दे सकते हैं वो आगे कहीं स्कूल में नहीं है, सिर्फ है स्टेटस। बारात में जाएंगे, दावत में आराम से प्लेट होगी, लेडीज होंगी तो लेडीज होंगे तो जानती है लेडीज होंगी क्या पंचायतें होती हैं, और जेंट्स होंगे तो आराम से कोट वोट पहने कहेंगे कहाँ पढ़ रहा है, जहाँ 2 लाख रुपए फीस जा रही है उसमें पढ़ रहा है, बस पैसे की स्टेटस दिखाने के लिए है स्कूल, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो बच्चा यहां से जा सकता है वही वहां से जा सकता है, या वहां से जा सकता है तो वो ऐसा नहीं, कोई यहां से नहीं जा सकता। सिर्फ अंतर क्या है, वहां जब 2 लाख रुपए जाते हैं फीस के, तो वहां पेरेंट्स को याद रहती है, पेरेंट्स को याद रहती है कि बेटा फीस जा रही है, इसलिए उसके सारी व्यवस्थाओं को देते हैं, इसलिए उसके टाइम पे फीस भी जाती है, टाइम पे पढ़ने का शेड्यूल, ट्यूशन का शेड्यूल, सारा शेड्यूल बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां स्टेटस बना हुआ है। लेकिन यहाँ गरग सर के यहाँ आ रहा है तो वहां क्या कह रहे, फीस कितनी है सर, 200-300 रुपए होगी, अरे क्या करना है, 400-500 रुपए होगी। तो वहां क्या है, कई चर्चा चल रही होगी, बोले फर्स्ट हो, टॉप हो बच्चा, आपका बच्चा टॉप हो,
तब भी जब बातें करेंगे ना शादी में जाके, शादी में मिलना जुलना होता है ज्यादातर, और ऐसी बातें शादी में चलती हैं, जब गांव सिस्टम में होते प्लेट हाथ में होती है, जब चर्चा चलती है, अपने अपने बच्चों की मारते हैं तो जब क्या कहेंगे, अरे भाई हमारा तो कहाँ पढ़ रहा है, गलत सर के छोटे से स्कूल में पढ़ रहा है, सर झुकाएंगे, सर झुकाएंगे, और एक एक कहेंगे मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है 4 लाख रुपए फीस जाती है, तो वहाँ पढ़ाई नहीं दिखा रहे आप बच्चे की, नॉलेज नहीं दिखा रहे हैं बच्चे की, बच्चे की ये दिखा रहे हैं हम कितने कैपेबल है 4 लाख रुपए की हैसियत रखने हैं खर्च करने की, और तुम्हारी हैसियत 500 रुपए की है गरीब सर के स्कूल में पढ़ाने की, ठीक है ना। तो वहां ये मत रखिए, मेरा मेरा रूल उल्टा है, मेरा अलीगढ़ में भी विद्यालय चलते हैं दो, और एक विद्यालय अभी भी 3 साल से चल रहा प्ले स्कूल, उसमें भी मैंने ये बताई, वहां के जो पेरेंट्स आए पीटीएम दी, मैंने उनको भी ये बताया कि देखिए स्टेटस देखना है तो आराम से जाइए जहां जाना है, और बच्चे की क्वालिटी देखनी है तो यहाँ आइए, और स्टेटस में दूसरा उसका जो नियम है स्टेटस का मैं दूसरा बताऊंगा, स्टेटस क्या है कि जब चर्चा चल रही हो कि मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है 4 लाख रुपए स्कूल वाले में, तो आप ये कहना कि छोटा सा स्कूल है गली में, चाहे गरग सर का मान लो, चाहे और भी आप सज्जन बैठे हैं उनका मान लो, या छोटे से गांव से बच्चे आए हैं कि छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं, यहाँ के कौन से कदौली बताया था, कौन सा बताया गांव ही है, और भी छोटे छोटे मड़ौली वगैरह गांव में है, गांव के बच्चे हैं, तो कम से कम ये होना चाहिए उनके सामने पे ये कहें कि हमारा बच्चा है एक छोटे से गांव में, मात्र इसकी 500 रुपए फीस जाती है, 200 रुपए फीस जाती है, और आपकी फीस 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जा रही है, हमारे बच्चे के साथ बैठा, बस ये स्टेटस बनाइए, पेरेंट्स अपने दिमाग में ये स्टेटस बना के लेके चले, हम फ्री में बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं जो 4 लाख रुपए में नहीं पढ़ा रहे, जो शिक्षा 4 लाख वाले नहीं दे रहे, 2 लाख वाले नहीं दे रहे, वो शिक्षा हम 200 रुपए में, 300 रुपए में, 400 रुपए में, 500 रुपए में दे रहे, ये स्टेटस होना चाहिए पेरेंट्स का, और पेरेंट्स यही रहेंगे कि हम अपने आप को दिखाएं हमारी हैसियत इतनी है कि हम हमारे के जरिए 4 लाख रुपए वाले में पढ़ा रहे हैं, ऐसा बस कुछ गड़बड़ हम लोग करते हैं, कुछ गड़बड़ हम लोग भी करते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं, पेरेंट्स ने मान के चलिए आप पर विश्वास किया, आपके यहाँ बच्चा भी छोड़ दिया, लेकिन उसको निगलेक्ट तरीके से छोड़ दिया, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा ना कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और एक छोटी सी हमारी और बात है जिसके लिए सजा खड़े किए थे, तो मैं कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए 2002 से हमारे विद्यालय की स्थापना हुई, और तब से ही हम समाज सेवा में या बच्चों के लिए एक प्रकार के निस्वार्थ तैयारी के लिए हम जब से तत्पर हैं, अभी भी बच्चों के लिए हम जितना स्कूल होता है स्कूल की तैयारी जो चलती है, जो टीचर का पेमेंट होता है उसका पेमेंट लेते हैं, इसके बाद शाम को 5 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कोचिंग कराई जाती है, हमारे कोई पैसा नहीं, आने जाने का यहाँ जैसे कोई भी टेस्ट होते हैं कुछ भी होते हैं हर जगह, चाहे आपकी कोई सी भी प्रतियोगिता हो हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे अलीगढ़ की हो बुलंदशहर की हो आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें हम कभी नहीं छोड़ते, और हमें छोड़ते क्यों नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे बच्चे हमें, हम बच्चों की वजह से तो यहाँ हैं भाई, हमें बच्चों की वजह से ही तो यहाँ हैं, और बच्चे ही हमारे ऐसे होते हैं कि मान के चलिए हमें जरा से यहां तक भी नहीं आने देते, तो ये पूरक होता है बच्चे और अध्यापक एक दूसरे के पूरक, हम इनके लिए और ये हमारे, हमारी पहचान इनकी वजह से है न कि हमारी वजह से इनकी पहचान। तो मेन चीज ये है कि हम जब से काम करते आ रहे हैं और हम भी अपनी एक प्रतियोगिता रखते हैं, और हमारा जो विद्यालय खुला है किसी की एक मेमोरी में खुला है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष में जैसे सर ने इंजीनियर संजय सर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया, ऐसे ही हमारा भी एक ददीज टैलेंट हंट के नाम से एक प्रतियोगिता होती है, ये तो होती है रिटेन यानी कि जैसे सर ने कराई जीके प्रतियोगिता, इसके अलावा हमारे मान के चलिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं और भी अन्य एग्जाम होते हैं, एग्जाम की तरह तो ये प्रतियोगिता हो गई, इसके अलावा फिजिकल में भी चाहे आपका बाद प्रतियोगिता है, रेसिंग है, गेम्स है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं चलती हैं। उसके साथ साथ इस समय हम 1 अक्टूबर को इसको स्टार्ट करते थे, इसी कारण से अब हमारी मदर एक्सपायर हो गई तो 1 अक्टूबर का प्रोग्राम नहीं कर पाई उनके जन्मदिन, लेकिन आज पुण्यतिथि है हमारे भाई की जिनके नाम से स्कूल चल रहा है उनकी आज पुण्यतिथि है,
एक दिसंबर को वो इस दुनिया से चले गए थे, और उनके ही इस अवसर पर 1 अक्टूबर को ना करा के आज से हमारी भी प्रतियोगिता का शुभारंभ है। फॉर्म भरे जाएंगे जैसे सर ने कराई है, उसी तरीके से हम हर स्कूल में जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें भाग लें और आप लोग भी भाग लें। देखिए बच्चे को निकालना, बच्चे का निखार, ये सब आपके हाथ में होता है। पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते जितने स्कूल वाले ध्यान देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितनी लेवल पर हैं, कितनी लेवल पर हैं? इस लेवल को जांचने के लिए अध्यापक के लिए भी अपने बच्चे किसी कोई सी प्रतियोगिता में बिठाना जरूरी है, और पेरेंट्स को भी ये जानना जरूरी है कि रिपोर्ट कार्ड में तो कहीं से भी जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहे उस स्कूल के अध्यापक ही, उस स्कूल के सब्जेक्ट टीचर ही आपको क्या देंगे, नंबर देंगे। नंबर से कभी भी अपने बच्चे को ना आके, रिपोर्ट कार्ड आपके बिल्कुल फेक भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके की जो सन्ने प्रतियोगिता कराई है ये कभी फेक नहीं हो सकती। इससे आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा कहां पर चल रहा है, कितनी लेवल पर चल रहा है। चलिए तो आज से हमारा भी स्टार्टिंग है, और सभी लोग जितने भी स्कूल प्रबंधक हैं या प्रधानाचार्य हैं, हम आपके पास आएंगे, हमारे पास लिस्ट है सबकी, और आप अपने बच्चों को उत्साहित करिए, इनको आगे बढ़ाइए, और हम बिल्कुल धक्का लगाने वाले हैं, हम तो यहीं रहेंगे लेकिन बच्चे आगे बढ़ जाएंगे गाड़ी की तरह, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपने